हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत एक स्पेशल फास्ट एंड फ्यूरियस अप्रोच देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। देखना आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। आप देखते ही इनको कैसे 2 सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज हम देखने वाले हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको कुछ देखने के लिए मिलेंगे कि हमें प्रिंसिपल दिया हुआ होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है और टाइम हमें निकालना होता है। और ये बोल दिया जाता है कि कितने समय में ये जो हमारा सम दिया हुआ होता है वो कितने समय में 3 गुना हो जाए। तो मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सर्टेन सम इज गिवन एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, देन टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द अमाउंट ट्रिपल ऑफ द प्रिंसिपल। जैसे ही आपको ट्रिपल दिखेगा तो मैं आपको बताऊँ आपको क्या करना है। जैसे ही आपको ट्रिपल दिखेगा तो आप ये समझ जाइए कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 200% निकालना है, 200% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 5% हमको ऑलरेडी गिवन है, 5% गिवन है, 5 को कितने से इंटू करेंगे कि 200% आएगा। 5 को हमको इंटू करना पड़ेगा, जैसे हमने 5 को 20 से इंटू किया तो 100% आएगा, तो हमको 40 से इंटू करना पड़ेगा 5 को। 5 × 40 इज इक्वल टू 200% आएगा, तो हमारा 40 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ट्रिपल ऑफ द प्रिंसिपल बोला तो हमको 200% क्यों निकालना पड़ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि हमको ऑलरेडी सम 100% गिवन है। इस 100% में हम अगर इस सम का 200% और जोड़ देंगे तो 300% हो जाएगा सम का। इसलिए हमको यहाँ पे 200% निकाल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, 40 ईयर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको और जल्दी सॉल्व करेंगे। जैसे हमको 50% हमको, अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सम की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। सम की कोई जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इसमें देखा था, लास्ट स्लाइड में, इस सम का हमको कोई यूटिलाइजेशन है ही नहीं। ये गिवन रहेगा तब भी हमें इसको यूज़ नहीं करना है, नहीं भी गिवन रहेगा तब भी यूज़ नहीं करना है हमें इसे। ठीक है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% दिया है, तो टाइम यहाँ निकालने के लिए बोल रहा है टू गेट द अमाउंट डबल। देखिए अब यहाँ डबल बोल रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 100% करना है, 100% करना है, 50% 50% इंटू 2 ईयर्स करेंगे हम, 2 साल में 100% होगा, तो 2 ईयर्स हमारा आंसर होगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया, टाइम हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो गेट द अमाउंट 4 टाइम बोल रहा, मतलब 300% हमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 20 हमको ऑलरेडी गिवन है, 5 से इंटू करूँगा मैं तो 100% होगा, 20% इंटू 5 करूँगा तो 100% होगा, और 15 से इंटू करूँगा इसको तो मैं 300% होगा। दिए 15 ईयर हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1.6 टाइम बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दिया हुआ है, तो 15% इंटू एक्स हमको कितना यहाँ पर करना पड़ेगा। 1. देखो, 2 टाइम बोलता था तो हम 100% करते थे, 2 टाइम मतलब होता 200%, तो 200% माइनस 100% कर लेते तो हमारा 100% आ जाता था। ठीक है, 2 टाइम रहता तो 100% करते थे। तो उसी तरीके से 1.6 टाइम मतलब 160% 160% में तो 100% माइनस करते, मतलब 60% लेके आना हमको इसका आंसर, तभी 1.6 टाइम होगा। तो 15 इंटू कितना करेंगे, 4 करेंगे, 4 ईयर हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.55% दिया, आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ, कोई डरने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमें देखिए अमाउंट क्या बोल रहा है, 3 टाइम बोल रहा था, हमको हम समझ गए हैं कि 3 टाइम बोल रहा मतलब 200% हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आना है। अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है 5.55%, अब हमको टाइम लेके आना है। तो देखिए जैसे ही 5.55% आता तो मुझे इसका रेशियो इक्विवेलेंट पता है, 1:18 होते, क्योंकि मेरे को ये टेबल पूरी याद है। बस इतनी टेबल अगर आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1:18 देखिए 5.55%, तो मतलब 18 साल में 100% होगा, और हमको लाना है 200% है ना, तो 200% लेके आना, तो 36 साल में 200% होगा, 36 ईयर हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ 7 टाइम बोल रहा है सम का, 7 टाइम बोल रहा मतलब 600% हमको लेके आना रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको 16.66% हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, तो टाइम हमको कितने से इंटू करना पड़ेगा कि हमारा 600% आ जाए। देखिए यहाँ पे भी वही 1/6 मतलब 6 साल में 100% हो रहा है। देखिए 16.66% का इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/6 मतलब 6 साल में हो रहा है 100%, 6 साल में, कहने का मतलब ये 6 ईयर्स
100% होता है, तो 600% लेके आना। तो ये 600% लाने के लिए इसको भी 600 इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 600 इंटू करना, 36 36 ईयर हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको यहाँ देखो पहले हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था यहाँ पे, अब हमको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, हमको टाइम दिया हुआ है। और यहाँ बोल रहा है टू टाइम ऑफ द सम बोल रहा है, अमाउंट टू टाइम ऑफ द सम बोल रहा है, मतलब हमको 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आना है। हमको टाइम ऑलरेडी दिया, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से इंटू करना पड़ेगा, 25 से इंटू करना पड़ेगा, मतलब 25% ही हमारा आंसर हो गया। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है सब सारे। फाइव टाइम ऑफ द सम बोल रहा है और एट टाइम बोल रहा है, मतलब एट हमको फाइव टाइम बोल रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे 400 करना पड़ेगा। ये टाइम था, ठीक है, ये टाइम। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना कितने से इंटू करना पड़ेगा, ये 400 हो जाए, 8 5 जब 40 और 8 0 जाए, मतलब ये 50% हमारा इसका आंसर हो गया। 50% होगा तभी 8 साल में 400% होगा और 5 टाइम हो जाएगा सम का अमाउंट, ये अमाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, टाइम 14 इयर्स दिया हुआ है, तो देखिए 14 हमको टाइम दिया हुआ है, इसको डबल ऑफ द सम बोल रहा हूँ, मतलब इसको 100 से इंटू करना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि 14 से हम कौन सी वैल्यू ले लें कि हमको 100, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है ना आपको, आप यहाँ पे एक्स करके 14 को यहाँ नीचे ला के डिवाइड भी नहीं करना है, ठीक है, ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जैसे ही आपको 14 दिखता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि 14 जो है इसका 100% अगर हमको लेके आना है तो 1/14 का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होता है, 7.14, तो यहाँ पे 7.14 आने वाला है आंसर। फॉर 7.14 इंटू 14 करोगे तो आप 99 point something के करीब पहुँच जाओगे, जिसको हम 100 के अप्रॉक्स मानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये रेशियो कन्वर्जन आता है, रेशियो कन्वर्जन अगर आता है आपको, तो आप निकाल सकते हैं इन आंसर को बहुत इजीली, ठीक है। 7.14% इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है 12 ईयर टाइम दिया हुआ है और ट्रिपल ऑफ द सम बोल रहा है, मतलब ट्रिपल ऑफ द सम बोल रहा है, मतलब 200% हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके आना है, रेट है ना। तो क्या करेंगे, 12 दिया हुआ है तो 12 को हमको इसका इक्विवेलेंट पता है, 1/12, देखिए 1/12 करोगे आप तो 8.33%, ठीक है, 8.33% करोगे तो 12 × 8.33% करोगे तो 100% होगा, ठीक है। और हमको चाहिए 200%, तो इसको हमको 2 से इंटू करना पड़ेगा, 2 3 6 2 3 6 2 8 16, 16.66% करोगे, मतलब इसको 16.66% से इंटू करोगे तो 200% आएगा और 16.66% हमारा आंसर है। कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आंसर हुआ, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे। अभी तक तो हमने ये देखा, इस टाइप से करने की कोशिश किया, मैंने आपको एक जनरलाइज फॉर्म में बता दिया। क्वेश्चन आपको इस टाइप से आएंगे, इफ़ दिस अमाउंट इज गिवन एट अ रेट ऑफ 33.33% पर एनम, देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ट्रिपल द अमाउंट। देखिए यहाँ ट्रिपल जैसे ही बोला तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट को 200 करना है, 200% करना है। 33.33% मुझे ऑलरेडी गिवन है, तब अब 33. यहाँ टाइम पूछ रहा है, ठीक है। 33.33% का रेशियो इक्विवेलेंट होता है 1/3 होता, मतलब 3 साल में 100% होता है। जब 3 साल में 100% हो रहा है तो 200% आने के लिए 6 साल की जरूरत पड़ेगी, 6 साल हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इफ़ अ सर्टेन अमाउंट इज गिवन एट अ रेट ऑफ 25% पर एनम, अब देखिए 25% पर एनम बोल रहा है यहाँ पे, और देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट डबल द अमाउंट। डबल द अमाउंट मतलब 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है, तो 25 × 4 से इंटू करेंगे, मतलब 4 साल, 4 साल हमारा इसका आंसर हो गया बिना कोई फॉर्मूला यूज़ किए। अब यहाँ देखिए आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बाकी है नहीं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती दिया हुआ होता है लोगों को घबराने के लिए, ठीक है। 9.09% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, 9.09% इंटू यहाँ कोई वैल्यू आएगी, टाइम की वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो और कितना बोल रहा है, 8 टाइम बोल रहा है, मतलब 700% हमको करना है, 700% करना है। तो 9.09 को हम कितने से इंटू करेंगे, तो 7, देखिए जैसे मुझे 9.09 लिखा समझ में आया, मुझे पता चल गया कि इसकी इक्विवेलेंट होता है 1/11, मतलब कहने का ये कि 11 ईयर में 100% होता है, 11 ईयर में 100% होता है, तो 700% लाना, तो इसको भी 7 से इंटू कर दो, इसको भी 7 से इंटू कर दो, 7 7 जो 77, यहाँ 77 आएगा, ये 77 ईयर्स में हमारा होगा 700%। देख रहे हैं आप, मैं मतलब विद इन अ सेकेंड्स हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड्स में।
क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। इफ अ सम ऑफ मनी इज गिवन एट अ रेट ऑफ 4% ऑन हाफ ईयरली बेसिस, देखिए 4% हाफ ईयरली बेसिस में है तो ईयरली बेसिस में 8% होगा, ठीक है। ये 6 मंथ का है तो 12 मंथ का ऑब्वियस सी बात है ना, ये 6 मंथ का है 4% हो रहा है तो 12 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट 8% होगा, ठीक है। देन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द अमाउंट बिकम 4 टाइम ऑफ द सम। अब देखिए 4 टाइम ऑफ द सम बोल रहा मतलब 300% हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है और पर ईयर के हिसाब से कितना हो रहा है 8%, 8% पर ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। 300 करना है हमें, कितने से इंटू करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, सपोज एक्स कर लेते हैं, यहाँ पे 8 को नीचे ला देते हैं, ठीक है। यहाँ से 8 गायब हो जाएगा, 4 2 8, 4 7 20, 8 4 5 20, 2 3 6, 2 7 14.5, 37.5 ईयर्स हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 8% इंटू 37.5 करेंगे तभी हमारा 300% आएगा, कैलकुलेटर से करके देख लेना, अप्रॉक्स बैठता है ये आंसर में, ठीक है। चलिए देखते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हमको इतने क्वेश्चन हमने देखे, हमको ये अमर सम की तो कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, हमें ज़रूरत पड़ती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की और हमें कितने गुना करना है, कितने टाइम करना है सम का, उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे अब इस कॉन्सेप्ट को हमें हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन में बोल के रहा है, क्वेश्चन थोड़ा टिल्ट भी कर देते हैं, क्योंकि इफ़ दिस अमाउंट इज़ गिवन टू अ बिजनेसमैन एंड इंटरेस्ट इज बीइंग पेड एट 2.5% क्वार्टरली। अब देखिए 2.5% क्वार्टरली मतलब 3 मंथ का दिया हुआ है, यहाँ पे 3 मंथ का दिया हुआ है 2.5%, तो 12 मंथ का कितना होगा, 12 मंथ का होगा 10%। देखिए इसको भी 4 से इंटू करूँगा तभी 12 मंथ आएगा, 12 मंथ आएगा, इसको भी मुझे 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो 10% पर ईयर के हिसाब से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 10% इंटू वॉट करेंगे। देन यहाँ देखो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं हम, देन टाइम रिक्वायर्ड टू मेक द इंटरेस्ट 10 टाइम ऑफ द सम, 10 टाइम ऑफ द सम मतलब 900% करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम जब हमको डबल सम का ट्वाइस बोल रहा था तो हम 100% कर रहे थे, थ्राइस बोल रहा था या ट्रिपल बोल रहा था तो हम 200% कर रहे थे, उसी तरीके से अब यहाँ 10 टाइम ऑफ द सम बोल रहा है। और एक बात और बता दूँ आपको मैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक द इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, यहाँ अमाउंट की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम ये 900 नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोलता था, हाउ मेनी ईयर्स द अमाउंट बिकम 4 टाइम, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता था उस समय, पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है 10 टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट 10 टाइम बोलता हूँ, इंटरेस्ट सम का 10 टाइम कितना होगा, तो इंटरेस्ट सम का 10 टाइम कब होगा, जब ये 10 टाइम बोल रहा है मतलब 1000% होगा, यहाँ पर 900% नहीं होगा, अमाउंट को जब हमको करना होता 10 टाइम तब हम इसको इंटरेस्ट को 900% करते, पर जब हमको इंटरेस्ट ही बोल रहा है 10 टाइम मतलब 1000 हमको परसेंट करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और हमको 10% पर ईयर का दिया हुआ है, मतलब इसको 100 ईयर्स लग जाएंगे, 100 ईयर्स लग जाएंगे 1000% करने में, 100 ईयर्स हमारा इसका आंसर है। तो यही क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा तो क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, कुछ भी मत करने लगिए, तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है।